11 रुपया के चंदा से लगता है कि पूरे चंपारण का काम चल जाएगा। 16 लाख वोटर है। 16 लाख काउंट कर लीजिए, गिनती कर लीजिए, 16 × 11। अच्छा समझे ना, कीजिए कीजिए कितना हुआ। कुछ तो आधार में भी जाने वाले हैं ना। तो कुछ तो 11 के जगह पे 21 रुपया भी तो देने वाले हैं। अच्छा कुछ 21 के 51 भी देने वाले हैं, कुछ 11 हजार भी देने वाले हैं। अच्छा निष्कर्ष का कौन सा छाप होने वाला है चुनाव चिन्ह? जल्दी पता चल जाएगा। अच्छा नॉमिनेशन से पहले पता चल जाएगा। पता चल जाएगा हाँ। मैं बैंक अकाउंट खुलवाऊंगा और उस अकाउंट में आप लोग पैसा डाल सकते हैं 11 रुपया। ज्यादा डालिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कि बिहार में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि मनीष कश्यप चंपारण से चुनाव लड़ रहे हैं या पूरे बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं। हम चंपारण के बाहर से हैं, बाकी चंपारण वासी जो है 11 रुपया करके चंदा देने वाले हैं मनीष कश्यप जी। बाहर के भी लोग दे सकते हैं। हाँ, बाहर के लोग भी दे सकते हैं। और इसी वीडियो में लास्ट में मैं भी वादा करता हूं कि 10,000 पैम्पलेट का जो चार्ज होगा वो मैं संस्कृति बिहार चैनल के माध्यम से भैया स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पानी पिया ना, ठंडा पानी दीजिए, पानी दीजिए। कैसो नॉर्मल पानी पिया दो, गरम पिया तो प्यासे नहीं बुझे। इसको इसको बंद कर लीजिए ना, तो ये भी खराब हो जाए। चापा कल का पानी लाए भैया? हाँ लाए ना। अभी पूरे बिहार में काफी चर्चाओं में चुनाव को लेकर मनीष कश्यप जी हैं और आज जो है एक गांव में मचान पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो सर आप इतने बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं और इस जनता के बीच में आप क्या कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े नेता तो अभी तक आए नहीं। नेता आए नहीं है, ये बात सही है, लेकिन इस बार चंपारण में आप पता कर लीजिए 2 महीना पहले से नेता को बेचैनी छा गया है और 2 महीना पहले से दौड़ा रहे हैं। नहीं तो नेता लोग पहले क्या करते थे, नॉमिनेशन हो जाता था सुजीत भाई, उसके बाद से नेता लोग शुरू होते थे। नॉमिनेशन के पहले कोई नेता दिखता था? नहीं दिखता था। आ इस बार जो है नॉमिनेशन के 1.5 महीना पहले से नेता जी लोगों को दौड़ा रहे हैं, समझे ना। तो मचान पे बैठे हम सेलिब्रिटी नहीं है, हम इन लोगों के बेटा है, हम इन लोगों का भाई है, हम इन लोगों के दोस्त है। सेलिब्रिटी अगर होते तो मचान में थोड़ी बैठे होते। कहीं ना कहीं तो आपको देखने के लिए इतना बड़ा जनसैलाब उतर तो अपना बेटा को देखने के लिए नहीं लोग आएगा, अपना भाई को देखने के लिए लोग नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अपना भतीजा को लोग देखने के लिए नहीं आएगा, आएगा कि नहीं रहे? आएगा ना। देखिए चल। अच्छा जो आजादी के लगभग 77-78 साल में बिहार में नहीं हो पाया, चंपारण ऐतिहासिक धरती रही है, वो नहीं हो पाया तो मनीष कश्यप 5 साल में क्या करेंगे? देखिए चंपारण पिछले 75 साल से, आजादी के 75 साल में चंपारण से एक नेता गरीब परिवार से जीता हो, नाम बताइए आप लोग। गूगल पे सर्च मारिए, जाइए गूगल पे और बताइए कि कौन सा नेता जो है कौन से सन में गरीब परिवार का था और उस वो चुनाव जीत गया। एगो नेता नहीं जीता है लोग, एगो नेता। इस बार एगो गरीब का बेटा चुनाव लड़ रहा है, उसको जिताइए लोग ताकि वो कुछ करे। अच्छा तो जैसा कि अभी देख रहे हैं काफी एकदम भीड़ उमड़ रहा है आपके लिए, तो क्या लगता है आपको ये भीड़ देख करके कि वोट मिलेगा या फिर जो है ऐसे ही भीड़ इकट्ठा है? ये सवाल अगर 2013 और 14 में मोदी जी से पूछा गया रहा था कि भीड़वा आ रहा है आपके रैली में, क्या लगता है वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वोट तो नोट पे मिलता है कभी कभी, कभी कभी जो है काम पे भी मिलता है, मिलता है ना कभी कभी काम पे। तो इस बार जो है काम पे काबिलियत पे चंपारण के लोग वोट देंगे, आ नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे अपना काम करेंगे, वो लोगों का अपना काम होते रहेगा, सही है कि नहीं है? अच्छा एक सवाल और है कि बिहार में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि मनीष कश्यप चंपारण से चुनाव लड़ रहे हैं या पूरे बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं। हम पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लेकिन सुनिए सुनिए, मैं चुनाव जीतूंगा ना तो पूरे बिहार पे असर पड़ेगा, इसलिए कि मैं यहाँ पे काम करूंगा तो पूर्णिया में भी लोग कहेंगे कि हमारे क्षेत्र के नेता काहे नहीं काम कर रहे हैं, मनीषवा तो वहाँ पे काम कर रहा है, मनीषवा तो ये काम कर दिया, मनीषवा तो वो काम कर दिया, मनीषवा फैक्ट्री लगा दिया। हम एक गो फैक्ट्री लगाएंगे, 50 गो वीडियो बनवाएंगे लोगों से, बनाओ ताकि दूसरे सांसद पे भी दबाव पड़े। हम एक गो रोड बनवाएंगे, 50 गो वीडियो बनवाएंगे कि बनाओ ताकि दूसरे भी सांसद पे दबाव पड़े कि रोड जो है 12 इंच का तो 12 इंच ढलाई होना चाहिए, 10 इंच तो 10 इंच ढलाई होना चाहिए। स्ट्रेंथ अगर एम
M40 होना चाहिए तो M40 स्ट्रेंथ होना चाहिए, रिबाउंड हम टेस्ट कराएंगे कि रोड का स्ट्रेंथ सही है कि नहीं है, सीमेंट का क्वालिटी ये होना चाहिए तो यही होना चाहिए, ब्लॉक में अगर कोई घूस ले रहा है तो उसका भी जाके वीडियो बनाएंगे कि काहे घूस ले रहा है, ताकि वहां पे भी दबाव पड़ेगा कि कोई घूस ना ले। तो ये सारी चीजें है पूरे बिहार में, ये बात सही है कि पूरे बिहार से हमको समर्थन मिल रहा है, लेकिन भोटवा तो पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के लोग ही देंगे। जो लोग बिहार से चंपारण के बाहर से है वो भी कह रहे हैं कि हम भी भैया को वोट देते, हम कैसे वोट दे, अगर वो लोग जो लोग बाहर से वोट नहीं दे पाएंगे पश्चिमी चंपारण के वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं आप लोग मेरा चुनाव प्रचार कर सकते हैं ना, कम से कम 24 घंटा दे दीजिए, आइए यहां पे, और हां 24 घंटा में मतलब ये हुआ कि मेरे से बिना मिले हुए क्षेत्र में आप घूमिए, नहीं तो 24 घंटा में सब लोग आएंगे खाली कहेंगे मनीष भैया आप ही के साथ मिलेंगे, तब तो हम ना प्रचार कर पाएंगे और ना काम कुछ हो पाएगा। तो अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप 24 घंटा चंपारण में आइए, मेरे लिए वोट मांगिए, फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, और उसके बाद से चुनाव जीत जाने के बाद मनीषवा से मिलिए, मनीषवा जो है वादा करता है कि आप लोग मेरे लिए जितना किए रहेंगे उससे ज्यादा मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों के लिए। पूरे देश में लोकसभा का जो चुनाव है उसमें तो हजारों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, मनीष कश्यप कितना खर्च कर रहे हैं? हमको जितना जनता देगा उतना खर्चा कर देंगे, जितना देगा लोग उतना करेंगे, जनता से लेके ही खर्चा, हाँ जनता से लेके ही खर्चा करेंगे, खर्चा तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो खर्चा करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा क्या? अभी ये जो सारी गाड़ियाँ चल रही है, अगर गरीब का पेट्रोल पंप होता तो हमको फ्री में पेट्रोल और डीजल मिल जाता, गरीब का पेट्रोल पंप और डीजल पंप होता ना गरीब का तो हमको फ्री में मिलता, क्योंकि जब हम किसी गाँव से गुजरते हैं ना तो हमको फ्री में पानी, फ्री में खाना, फ्री में चाय, फ्री में नाश्ता मिल जाता है, अगर किसी अमीर के रेस्टोरेंट के बगल से गुजरते हैं तो हमको पैसा देना पड़ता है, तो किसी गरीब का पेट्रोल और डीजल पंप होता तो हमको एक रुपया का डीजल पेट्रोल के लिए पैसा नहीं देना पड़ता, अभी देना पड़ता है, अभी जो गाड़ी घूमती है उसमें डीजल डलवाना पड़ता है अपनी गाड़ियों में, तो इसलिए कुछ तो पैसा चाहिए, पर्चा छपवाना पड़ेगा उसके लिए पैसा चाहिए, पोस्टर लगवाना पड़ेगा उसके लिए पैसा चाहिए, छाप जो है हमारा कितने नंबर पे है, कौन सा छाप है उसको लोगों तक पहुँचाना होगा उसके लिए पैसा चाहिए, लेकिन अगर वहीं फ्लैक्स प्रिंटिंग, अगर जीरोक्स सेंटर, अगर फोटोकॉपी सेंटर किसी गरीब के घर में रहता तो शायद हमको पैसा नहीं देना पड़ता, तो वो तो गरीब के घर में है नहीं, वो तो फिर कहां से आएगा, तो इन लोगों से 11-11 रुपए चंदा लेंगे, तो फिर जितने के बाद लौटाइएगा 11 से आप एक बूंद कीजिए मनीष कश्यप के लिए, मनीष कश्यप समंदर बन के आपको वापस लौटाएगा, ये वादा करता है, एक बूंद तो करने का प्रयास कीजिए, ये चीजें है। पोस्टर बैनर छपेगा उसमें भी बहुत सारा खर्च होगा, बहुत ज्यादा खर्च होगा, तो 11 रुपया के चंदा से लगता है कि पूरे चंपारण का काम चल जाएगा। 16 लाख वोटर है, 16 लाख काउंट कर लीजिए, गिनती कर लीजिए, 16 × 11, अच्छा समझे ना, कीजिए कीजिए कितना होगा, कुछ तो आधार में भी जाने वाले हैं ना, तो कुछ तो 11 के जगह पे 21 रुपया भी तो देने वाले हैं, अच्छा कुछ 21 के 51 भी देने वाले हैं, कुछ 11,000 भी देने वाले हैं। अच्छा हम अगर चाहें, हम तो आपके चंपारण के बाहर से हैं, चाहें कि हम 10,000 पैम्पलेट छपवाएं आपके लिए, तो क्या नॉमिनेशन लोगों को, हाँ हाँ एकदम नॉमिनेशन के बाद आप लोग छपवा सकते हैं, नॉमिनेशन के पहले 1 रुपया किसी से नहीं लूंगा, ये वादा करता हूँ, लेकिन नॉमिनेशन के बाद आप लोगों की जरूरत पड़ेगी मैं बैंक अकाउंट खुलवाऊंगा और उस अकाउंट में आप लोग पैसा डाल सकते हैं 11-11 रुपया, ज्यादा डालिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक आखिरी सवाल और करना चाहते हैं, मोदी जी का जो है पार्टी का फूल छाप है, RJD का जो है लालटेन छाप है, मनीष कश्यप का कौन सा छाप होने वाला है चुनाव जी? जल्दी पता चल जाएगा। अच्छा नॉमिनेशन से पहले पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, हाँ पता चलते ही तुरंत जो है पूरे बिहार में क्रांति आ जाएगा, उम्मीद है, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, समझे ना, अब गरीब का बेटा राजा बनेगा, सही है ना, अब पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं, बोलना रे, पढ़ाई करेगा कि नहीं, नौकरी करेगा कि नहीं, करेगा ना, जबरदस्ती मत बोल ऐसे, डरा मत, अभी ये भी कंफ्यूज होगा, आ कोई नेता जो है गरीब के बेटे को जो है मीडिया के सामने लाना चाहता है, नहीं लाना चाहता है, चीज है, कम से कम इस बड़ा होगा तो इसको याद तो रहेगा कि मनीष भैया गोद में बैठा के जो है हमको जो है हमारा वीडियो बनवा के जो है YouTube पे डलवा दिए थे, अपना ही देख के जो है हंसेगा, सही है ना, बड़ा हो जाएगा तो ससुर, चलिए बात जब इससे मिलेंगे ना तो बोलेगा मनीष भैया आप हमारा वीडियो बनाए थे। हम चंपारण के बाहर से हैं,
अब बाकी चंपारण वासी जो है 11 रुपया करके चंदा देने वाले हैं मनीष कश्यप जी को। बाहर के भी लोग दे सकते हैं। हाँ, बाहर के लोग भी दे सकते हैं। और इसी वीडियो में लास्ट में मैं भी वादा करता हूं कि 10,000 पैम्पलेट का जो चार्ज होगा वो मैं संस्कृति बिहार चैनल के माध्यम से भैया स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं और जितना भी मदद करना चाहते हैं जरूर आइए और भैया के सपोर्ट में आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।